नमस्कार, जय माँ गंगे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज फिर एक छोटे से सफ़र पे साइकिल के साथ। छोटा सा नहीं, सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये आप वीडियो के शुरुआत में देख के बताएं कि सफ़र किस तरफ का हो सकता है, ये सफ़र जो है वो किस तरफ का हो सकता है और लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र हो सकता है। तो ये शुरुआती वीडियो में ही देख के आप कमेंट कीजिए, किलोमीटर के हिसाब से बताइए या जगह के हिसाब से बताइए। सही बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा भाई। इनाम अगर मिलने पे नहीं दे सकते तो कोरियर कर दिया जाएगा, विश्वास रखें, लेकिन इनाम ज़रूर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी हल्का फुल्का मौसम जो है वो बारिश वाला हो रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि मैं घर से रेनकोट रखना भूल गया था, घर पे रखा था लेकिन बैग में रखना भूल गया था। तो रास्ते में एक दोस्त मिला, उसने पूछा कहाँ, तो मैंने कहा सफ़र पे, तो रेनकोट मैंने कहा नहीं है। यूँ कहा कि चलो मेरे पे रखा है एक, वो मनोज भाई आप ले जाओ, क्या पता रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए। तो ठीक है, जब आप अच्छी दिशा में चलते हैं, अच्छे सफ़र के लिए निकलते हैं तो लोग आपका साथ देते हैं, दोस्त आपका सहयोग करते हैं। और इसी के साथ में बने रहिए वीडियो के साथ, चलते हैं एक नए सफ़र पे। धन्यवाद। धन्यवाद तो नहीं कहूँगा, अभी तो वीडियो शुरू हो रही है, ये शुरुआत है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से, ये इधर गंगा जी हैं, ये इधर मनसा देवी मंदिर है, इधर भागीरथ बिंदु है और ये हाईवे से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, दिखाते हैं कि किधर जाते हैं। ये पंतदीप पार्किंग का है, पंतदीप पार्किंग आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्किंग में, यानी कि हरिद्वार में भीड़ अच्छी खासी है। ये इधर चंडी देवी मंदिर, इस साइड में मनसा देवी मंदिर और ये हम लोग चंडी घाट चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। बने रहिए है। ये चंडी घाट पार कर चुके हैं हम। बहुत सुंदर नज़ारा और लगातार गाड़ियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। अगर जैसे चंडी देवी किसी को उड़न खटोले से जाना है तो उसका रास्ता ये यहाँ से है, ये देखिए। ये सब मंदिर जाने वालों की भीड़ है, ये देखिए। गाड़ियाँ इधर सड़क पे ही लगा रखी है साइड में, और ये उस साइड में कुछ पार्किंग है जिसमें भी काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे होने के, यहाँ जगह खाली होने के बावजूद भी गाड़ियाँ सड़क के किनारे ही खड़ी की गई हैं, जो एक दुख का विषय है और इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दोनों तरफ जंगल, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, और बोर्ड भी लगा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप, ड्राइव स्लो। तो हमारी तो स्पीड वैसे भी बहुत स्लो है क्योंकि हम तो साइकिल से चल रहे हैं। मौसम भी देख सकते हैं ठंडा है, कोई
इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है साइकिल चलाने में कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। ठीक है, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर आपको एक बोर्ड भी दिखेगा वन विभाग का लगा हुआ है, ये देखिए, हाथी आवागमन होने के कारण रास्ता बंद है। एक ये रास्ता है, नहर है एक छोटी सी, ये श्यामपुर रेंज, ये देखिए ये पुल है, ये बंदर है, सामने बादल देखिए। एक अच्छा सफ़र है, मज़ेदार सफ़र है। मौसम ठंडा है, गर्मी का कोई ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है, बस हल्की फुल्की कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। जंगल देखिए दोनों तरफ, कितना खूबसूरत जंगल है। और ये देखिए यहाँ पे दिखा कुछ। नमस्कार साहब, नमस्कार। डरने का नहीं, डरने का नहीं। बंदर दिखा है, पहले भी दिखे थे बंदर। आगे एक बोर्ड और लगा है, देखते हैं बोर्ड पर क्या है। मुझे तो नज़र आ गया है, लेकिन आपको वीडियो में नज़र आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और वक्त कुछ इस प्रकार है, देखिए हाथी, हाथी का बोर्ड लगा है, मतलब हाथी की आवाजाही इधर से रहती है। बस आज ना मिले आज ना मिले, रास्ते में ना आए, ये दुआ है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए पूरा लास्ट तक, जरूर देखिए। हाईवे था, हाईवे से एक रास्ता ये भी जा रहा है। इस रास्ते पे गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम है, हाईवे पे गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा है, तो इस रास्ते से ही निकला जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो ये वाला रास्ता, लेकिन ये ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा अच्छा है। और मौसम तो खैर अच्छा है ही, तो इसी रास्ते पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिए। बस
हरिद्वार में एक बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और एक बार घूमने के लिए ज़रूर आना चाहिए। दिखाते हैं आपको वीडियो में, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये देखिए, ये झिलमिल, ये देखिए, ये झिलमिल का रास्ता है। In 400 meters, turn left. ये देखिए, हालांकि अपनी मंजिल ये नहीं है, अपनी मंजिल और आगे है। ये रास्ते का आपको दिखा दें नज़ारा, अगर आप कभी हरिद्वार आ रहे हैं या हरिद्वार में रहते हैं और आपको एक अच्छी जगह घूमने का मन है तो आप झिलमिल आ सकते हैं। झिलमिल एक बहुत प्यारी जगह है, मेरी घूमी हुई है। आप हरिद्वार के हैं या आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे, ये झिलमिल है। और यहाँ पर झिलमिल में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे सफारी का भी है, आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड में सफारी के लिए भी जा सकते हैं। और ये रास्ता एक सफारी का उस साइड से है और ये एक गेट इधर से भी है, पहला गेट है, जबकि दूसरा रास्ता जो है ये वाला गया हुआ है। अगर आप हरिद्वार आते हैं या हरिद्वार से हैं, अगर आपने झिलमिल नहीं घूमा है, झिलमिल नहीं देखा है, तो एक बार आपको झिलमिल ज़रूर घूमना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सीजन के टाइम पे आप आएँ, ठंडक के टाइम पे आएँ, तो आपको यहाँ पे तमाम तरह की माइग्रेटिव बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी और एक बहुत ही प्यारी जगह है। आज तो मैं साइकिल से आया हूँ और हालांकि ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल अभी और दूर है। आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, मंजिल क्या है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना लंबा भी सफ़र है। ये रास्ते का है तो जब रास्ते में झिलमिल दिखा तो मुझे लगा कि बताना चाहिए कि एक ऐसा पैलेस, एक ऐसी जगह जो बहुत ही सुंदर है, जो देखने लायक है, जिसको देखना चाहिए। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, अगर आप वन्य जीवों से प्यार करते हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स की यहाँ पे आवाज़ आ रही है। आपने महसूस किया होगा कि अगर यहाँ पे कोई भारी आवाज़ ना हो तो बर्ड्स की तमाम तरह की आवाज़ है। एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप मैंने लिया भी है खाली, जिसमें आवाज़ है बर्ड्स की है, वो भी मैं डालूँगा, तो वो भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आप देखिए कितनी प्यारी जगह है, कितना सुंदर नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे, बने रहिए वीडियो में। झिलमिल से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, चलते हैं, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। मन तो कर रहा है कि यहीं पर रुका रहूँ, ये जो चिड़ियाओं की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ है, यह ठंडी ठंडी खुशबू वाली जो हवा चल रही है, जितना चल रहे हैं और जितना आगे को बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उतनी प्यारी खुशबू, उतनी प्यारी आवाज़ें, उतने ज़्यादा हरे पड़े पेड़ जंगल, बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाथी की पोटी, ये देखिए हाथी की पोटी। अगर आपने हाथी की पोटी नहीं देखी है तो आप ये देख सकते हैं, ये हाथी की पोटी है, बस हाथी ना दिखे ये दुआ है, पोटी देख के गुजारा कर लिया हमने। चलिए बने रहिए, चलते हैं आगे की तरफ, आज का सफ़र देखते हैं और कितना अच्छा होने वाला है। अभी मैंने आपको एक लोकेशन जो बताई है, झिलमिल की बहुत प्यारी जगह है, आप सफारी कर सकते हैं, आपको यहाँ को यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए और आनंद लेने के लिए गाइड की व्यवस्था भी यहाँ पे है, आप गाइड कर सकते हैं, कुछ चार्जेस हैं उसके, जो आपको बहुत अच्छे से घुमाएगा, समझाएगा, बताएगा। ये देखिए एक पुल बना हुआ है, नीचे से नदी, गंगा जी, जल, कुछ भी कह सकते हैं, बना हुआ है। एक भैया वीडियो बना रहे हैं,
बाइक वाले भाई की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप हरिद्वार से हैं या हरिद्वार आना चाहते हैं तो आपको घूमना चाहिए। ये देखिए, अब अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। चिड़ियापुर के पास में ये देखिए, ये है बांस एवं प्राकृतिक उपज से निर्मित वस्तुओं का उत्पाद विक्रय केंद्र। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंतर्गत निर्मित वर्ष स्थापना वर्ष 2019-20 रेंज चिड़ियापुर रेंज वन प्रभाग हरिद्वार प्रभाग। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो बांस की बनी हुई हैं और जो प्राकृतिक उपज से निर्मित वस्तुएं हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है, गेट बंद है। जब मेरे ख्याल से कोविड को लेकर बंद हो सकता है, जब ये खुलेगा तो अगर कभी आप आते हैं जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको ख़रीदने को मिल सकती है। और जैसा कि लिखा वही है, बांस एवं प्राकृतिक उपज से निर्मित, तो कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड या हरिद्वार में जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत कुछ अच्छा बनाया जा सकता है, बांस के साथ में और भी कई चीज़ होंगी प्राकृतिक, तो एक बार ही देखना चाहिए और ख़रीदना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांस से चीज़ें बन रही हो हैंडमेड होंगी। और हैंडमेड का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा जो इस चीज़ को बना रहा है। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, चाहे छोटी छोटी चीज़ें खरीदें, थोड़ी थोड़ी खरीदें, हमको ऐसी चीज़ें भी खरीदनी चाहिए। तो चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ में। अब वो चेक पोस्ट के पास का नज़ारा है, ये जल स्तर बढ़ने की वजह से आवाजाही इधर से यूपी साइड से जाने वाली सभी गाड़ियों को रोका हुआ है। या नीचे या जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रास्ता खोला जाएगा और कब इस पार से उस पार जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्रेन खड़ी हुई है बीच में, और वो आगे ये येलो कलर के रोड बंद करने के लिए लगा रखे हैं, बॉक्स टाइप के जो रहते हैं रोड बंद करके। और ये नीचे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी ये बॉक्स लगा रखा है, ये आपको देखने को मिलेगा रास्ता बंद का। खैर, हमारे लिए रास्ता बंद नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाला रास्ता खुला हुआ है, और पुल पुराना होने की वजह से भारी गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पे बंद है। इसी कारण से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो नीचे इंतज़ार कर रही हैं, बस हो गई, ट्रक हो गई। छोटा एरिया पे आ गए हैं, हरिद्वार के बाद बिजनौर में एंट्री कर रहे हैं। ये हमें, ये हमारा खाना है, पीछे साइकिल खड़ी है, ये आम के खेत हैं, सामने वो दुकान लगा रखी है आम की, बाबूजी की, उनका खेत है। पूछा खाना खा लें खेत में बैठ के, कोई दिक्कत तो नहीं, तो बाबूजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खाइए, आम खाने हो आप भी, आम भी खाइए, और अगर कुछ हो चाहिए होगा तो बताइए, उनके पास भी अपना खाना रखा है। तो फ़िलहाल तो हम अपना खाना खा रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। बाकी बेशरम किस्म के तो बंदे हम हैं ही, आप लोग जानते ही हैं। तो पहले खाते हैं खाना, उसके बाद खाएंगे आम, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे का। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं खाना खाने की। मतलब खा चुका हूँ, दो पराठे खा चुका हूँ भाई, इजाज़त का मतलब ये है, ये देखो ये टुकड़ा खा चुका हूँ, पहले खाया फिर उसके बाद मैंने बता दूँ खाना कहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। तो ये खेत हैं, बहुत ही शानदार खेत में बैठने का जो आनंद है ज़मीन पर वो अलग ही है, मज़ेदार भाई, वाह वाह, वो जो है ना वाह बेटे मौज कर दी, वही वाली फीलिंग आ रही है। बस थोड़ा सा पसीना है, पानी रेगुलर पिया जा रहा है। वीडियो तो आपने पूरा देख लिया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से शुरू किया था सफ़र वो तो आपको पता है, हरिद्वार से यूपी के किस जगह पे गया हूँ, कितना सफ़र किया है ये आपको बताना है, लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र किया है। तो कमेंट करके बताएं कि हरिद्वार से कहाँ तक का ये सफ़र रहा है, बिल्कुल सही बताने वाले को इनाम दिया जाएगा, ये भी पक्का है। नमस्कार, और अगली वीडियो जल्द आपके साथ आएगी, आपके पास आएगी, ठीक है, इंतज़ार करो।